अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने 2:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। राहुल गांधी के नेतृत्व के बारे में उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि आज के दौर में हमें ऐसा नेता चाहिए जो सबको साथ लेकर चलने वाला नेता हो, जो सबको न्याय दिलाने में यकीन करता हो। साधारण शब्दों में कहा जाए तो वे है सबको साथ लेकर चलने वाला हो। मेरी नज़र में नेता ऐसा ही होना चाहिए, यह सब कुछ इनमें है। अभिनेत्री उर्मिला आज बुधवार दोपहर कांग्रेस में शामिल होगी। मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम समेत महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में हैं और आज पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई। मिलिंद देवड़ा मुंबई कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बताते जाए कि फिल्म अभिनेत्री मातोंडकर अब नई राजनीतिक पारी खेलने जा रही है। फिल्मों के माध्यम से जनता पर राज करने वाली उर्मिला मातोंडकर अब कांग्रेस का हाथ थामकर मुंबई की उत्तरी सीट पर चुनावी ताल ठोक सकती हैं। इस सीट पर पिछली बार निरुपम यहां से 4.5 लाख वोटों से पराजय हुई थी। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस यहां से अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को मैदान में उतार सकती है। इसी सीट से मराठी कलाकार आसावरी जोशी और टीवी कलाकार शिल्पा शिंदे के नाम भी सामने आए हैं।